आज की सबसे बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक अब भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चार भेड़ियों को पकड़ने के बाद अब जो बचे हुए दो भेड़िए हैं उनकी तलाश और ज्यादा तेज हो गई। बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र के रायपुर इलाके में फिर से भेड़िया देखा गया है, जिससे इलाके के लोग अब भी दहशत में हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए जाल और पिंजरा समेत ट्रैंकुलाइज गन भी लाई गई है। वन विभाग को उम्मीद है कि जल्दी ही बाकी बचे दो भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। ऐसे में बड़ी बात यह है कि आसपास के 35 गांव जहां भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है, अब तक 9 लोगों को ही अपना शिकार बना चुके हैं, जिसमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अब ट्रैंकुलाइज गन मंगवा ली गई है, वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। और जाहिर बात है, ऐसे में ट्रैंकुलाइज करके यानी उन्हें बेहोश किया जाता है और फिर पकड़कर पिंजरे में डालकर ले जाया जाता है, तो उसकी तैयारी में वन विभाग की टीम है। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो लोग हैं गांव वाले, चूंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रात भर जागने को मजबूर हैं, हाथी में लाठी डंडे लिए, टॉर्च लिए, वो लगातार गश्ती कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जंगल भी है जहाँ पर इन्होंने भेड़ियों ने डेरा डाला हुआ है। और सबसे ताज़ा तस्वीर आपको दिखा दें, आज सुबह एक बार फिर से रायपुर इलाके में भेड़िया देखा गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएं कि भेड़िया एक बार फिर से देखा गया है। ये देर रात या फिर अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच उत्तर प्रदेश की। आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर, क्योंकि ड्रोन कैमरा है और नाइट विजन कैमरा है, और ऐसे में वो तस्वीर आप देख सकते हैं, उसकी मूवमेंट देखी जा सकती है। तो ये जो आसपास के जंगली इलाके हैं जहाँ पर जंगल है वहाँ पर जाकर ये छिपे रहते हैं, और लोगों से लगातार बाकायदा वहाँ पर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे। ई रिक्शा में लाउड स्पीकर्स बड़े बड़े लगाए गए थे कि आप सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें, डरे नहीं, और बच्चों को बाहर ना निकलने दें, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब जबरदस्त तैयारी कर ली गई है, चार भेड़िए पहले ही पकड़ लिए गए हैं, दो बाकी बचे हैं जैसा कहा जा रहा है, ट्रैंकुलाइज गन मंगवा ली गई हैं, वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, नए जाल पिंजरे भी मंगवा लिए गए। जी बिल्कुल, देख जो दो भेड़िए अभी भी इलाके में घूम रहे हैं, उन दोनों भेड़ियों का लोकेशन भी मिल चुका है, यानी वो 4 किलोमीटर के रेडियस में ही, उस 4 किलोमीटर के रेडियस को घेरा बंद कर दिया है, नए नए जाल मंगा पिंजरे मंगा लिए हैं। वन विभाग बहराई भारत की टीम पूरी रात भर इलाके में धूम में फिलहाल अभी तक। अमित, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे वापस आप से कांटेक्ट करें तो आपको बता दें। जैसा कि अमित भी बता रहे हैं, जो कुछ हम उनको सुन पाए, यानी ट्रैंकुलाइज गन मंगवा ली गई है और टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, गांव वालों से भी लगातार कहा जा रहा है आप अपना ध्यान रखें, और ऐसे में गांव वाले जो हैं रात भर जाग भी रहे हैं, लाठी डंडे लेकर वो एक तरह से पूरे इलाके में गश्त लगा रहे हैं, काफी अलर्ट है। अब आपको जरा कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। आज सुबह बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र के रायपुर इलाके में फिर से एक बार भेड़िया देखा गया, अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है और पूरा इलाका है वहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आज देर रात फिर से भेड़िया नजर आया, आप देखिए रेड सर्कल के अंदर आपको दिखेगा, उसकी मूवमेंट नजर आएगी। तो उन्होंने जबरदस्त आतंक मचा कर रखा है, 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, इनमें 8 मासूम हैं, एक महिला भी बताई जा रही है, और अब गांव वाले पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। आप देखिए ये पिंजरे के अंदर और किस तरह से अपने नोकीले दांतों से पिंजरे को भी तोड़ने की कोशिश ये कर रहा है। तो अब वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है।